नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन जिला प्रशासन ने एक बार फिर अपनी सतर्कता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने परीक्षा केंद्रों पर औचक निरीक्षण करते हुए परीक्षा प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी की। आज चंडेसर स्थित दुर्गा जी पीजी कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज और डीएवी पीजी कॉलेज में परीक्षाएं आयोजित की गयी, जहाँ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बिना पूर्व सूचना के निरीक्षण किया। अधिकारियों ने न केवल प्रत्येक परीक्षा कक्ष का निरीक्षण किया, बल्कि सभी केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति और उसके कार्य करने के तरीके की भी जांच की। सभी परीक्षा कक्षों का गहन निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने यह सुनिश्चित किया कि परीक्षा निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ आयोजित हो रही है। अधिकारियों के इस सख्त रुख से यह स्पष्ट हो गया कि प्रशासन किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस प्रकार के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने परीक्षा में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।